अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि मौर्यों के बाद भारत पर कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए, द फेमस फॉरेन इन्वेजन ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यन पीरियड। आफ्टर द फॉरेन इन्वेजन देयर वॉज राइज ऑफ ब्राह्मण एम्पायर एंड आई हैव एक्सप्लेन अलॉट अबाउट द राइज ऑफ ब्राह्मण एम्पायर ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यन एरा। तो हम उत्तर मौर्य काल में हम लोग ये समझ चुके हैं कि किस प्रकार से ब्राह्मणों का उदय हुआ, ब्राह्मण साम्राज्य अस्तित्व में आया, और ब्राह्मण साम्राज्य में जो पहला वंश था शुंग वंश मिला हमको। शुंग वंश कैसे पावर में आया, उसने क्या क्या किया और समाज में क्या बदलाव किए उसने। एक तो मनु स्मृति को उसने लागू कर दिया समाज पर, और मनु स्मृति को लागू करने के लिए ब्राह्मणों ने उसको बड़े उत्कर्ष पर पहुँचा दिया। आज हमारे समाज में एक ऐसी स्थिति बनी है, आज भी लोग कहते हैं कि जो मनुस्मृति को मानते हैं उनको लोग मनुवादी के नाम से जानते हैं। तो मनुवादी वो विचारधारा है जो ब्राह्मणों वेदों इत्यादियों को ऊपर मान के चलती है। इस मनुवादियों का विरोध करने के लिए बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का उदय हुआ था 1956 में, एंड फाउंडर ऑफ इट वाज डॉक्टर अम्बेडकर। उसको कहते थे नवयाना या नवयानी, उन्होंने इसका उदय किया जो बिल्कुल मनुवादियों का विरोध करते थे। तो अगर कोई ऐसी विचारधारा आपके पास आती है तो आप कह सकते हैं ये मनुवाद से प्रभावित है। अगर कोई दूसरी विचारधारा आती है तो आप कह सकते हैं कि ये अंबेडकरवाद से या नववाद से प्रभावित है। तो ये उस समय की देन है जो समाज को दे दी गई थी शुंग वंश के समय में। और हम ये भी समझे थे कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मणों का एकीकरण किया, ब्राह्मणों का उत्कर्ष किया, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया, और उसके बाद अग्निमित्र ने शासन किया, वसुमित्र ने शासन किया, वसुज्येष्ठ ने शासन किया, भागभद्र ने शासन किया, जिसके समय पर हेलियोडोरस यहाँ आया था, है ना। हेलियोडोरस को किसने भेजा था बताइए, कल मैंने पता था कि याद तो कुछ नहीं होगा। खैर सेल्यूकस तो बहुत पहले ही मर चुका है। अरे किसने भेजा था उसको, ये तो मैंने ही बताया, भागभद्र के समय आया था, याद है? नहीं, एंटियाल कीट्स ने भेजा था उसको। एंटियाल कीट्स ने भेजा था। तो वो यहाँ पर आया, फिर उसने यहाँ पर आकर के कौन सा धर्म अपनाया था? अब वो भागवत चिल्ला रहे, तुम विष्णु चिल्ला रही। कल भी इस बात पे बताया था ना कि विष्णु नहीं था उस समय, विष्णु था ही नहीं, भागवत धर्म था। तो भागवत धर्म अपनाया, एक पिलर भी बनवाया जो विदिशा में अपने बगल में ही है, जाके देख सकते हैं आप जाकर के, है ना। क्या लिखा है पिलर पे? तीन शब्द लिखे हैं, हाँ, दंभ, छत्र और त्याग, तीन शब्द लिखे हुए हैं, ठीक। तो अच्छा, उसके बाद जब उसने भागवत धर्म अपना लिया तो फिर गया कहाँ वो हेलियोडोरस? यही रहा कि चला गया वापस? चला गया था वो, काफ़ी समय तक उसने यहाँ पर लगभग 11 वर्ष व्यतीत किए, उसके बाद वो वापस चला गया। और वापस जाकर के फिर वो भागवत धर्म का पालन वहाँ तो कर नहीं सकता है, तो फिर वापस से वो ग्रीक का ग्रीक ही हो गया, ठीक। अब जब इस वंश का अंत हुआ तो इस वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। उस देवभूति को मारा उसके सेनापति वासुदेव कण्व ने, और कण्व वंश की स्थापना की। और कण्व वंश में केवल चार ही राजा हुए थे, एक वासुदेव हुए, उसके बाद भूमिपुत्र हुए, नारायण हुए, और आखिरी हुए सुशर्मा। सुशर्मा ब्राह्मणों को सरनेम शर्मा इसके बाद ही मिलना शुरू हुआ है, है ना। हाउ मेनी शर्मास? कोई नहीं है शर्मा, कोई बात नहीं। तो ब्राह्मणों को जो सरनेम शर्मा है वो इसके बाद ही उदित हुआ, सुशर्मा के बाद। और सुशर्मा का अंत किया किस समय पर? सात वाहनों के समय पर, जब सिमुक पावर में आया। और सिमुक के बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिली? जैसे कोई पूछेगा सिमुक की जानकारी उसके वंश के किस शिलालेख से मिलती है, तो नानाघाट शिलालेख से मिलती है, जो सिमुक का खुद का नहीं है, उसके भाई का भी नहीं है। उसका भाई काना और काना का बेटा सातकर्णी और सातकर्णी की वाइफ नागनिका, उसका रिकॉर्ड है वो, ठीक। तो एक तो वो उसके रिकॉर्ड से जानकारी मिलती है, और उसके बाद उसने जो शासन किया, अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न करवाए, शीशे की मुद्राएं भी चलवाई सातकर्णी ने। कौन सी मुद्राएं थी वो? गोल मुद्राएं थी, राउंड शेप थी, अपनी पत्नी नागनिका के लिए उसने चलवाई थी, ठीक। शीशे के साथ और क्या मिला हुआ था उसमें? 14 लेड, तो शीशे ही हो गया, तीन 14 जिसको कहते थे, तो टिन मिला हुआ था उसके साथ। उसने सिक्के चलवाए, क्या उसने सोने के सिक्के चलवाए? चलवाए हैं, मैंने तो एक भी नहीं बताया सोने का।
मैंने सोने सिक्के बताया नहीं बताया ना, उसने सोने सिक्के नहीं चलवाए। सोने सिक्के अभी चलेंगे, थोड़ा रुक जाओ, उसको आने दो, कनिष्क को आने दो, अभी चलेंगे थोड़ी देर में चलेंगे, 5-10 मिनट लगेगा, अभी चलवाते हैं। तो उसने सिक्के चलवाए और सिक्कों के बाद जब बिल्कुल अंधकार में चला गया ये पूरा का पूरा सातवाहन वंश, तो उसमें एक शासक का उदय हुआ जिसे कहते थे हाल। और हाल ने, मैंने बताया था कि बहुत लंबे समय तक शासन नहीं किया, 20 से लेकर के 24 तक उसने शासन किया, 4 साल। उन 4 साल के शासन में उसने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है गाथा सप्तशती, तो भी एक साहित्यकार भी था। और उसके दरबार में एक व्यक्ति था, उसका जो सेनापति था हरनंद, उसने आक्रमण किया श्रीलंका पर। श्रीलंका के राजा उस समय कौन थे? महेंद्र चतुर्थ, महेंद्र फोर्थ। उन पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद उसकी बेटी का अपहरण किया, अपहरण करके लेके आया और उससे फिर शासक ने शादी की जिसका नाम था लीलावती। लीलावती ने उससे विवाह की भी। हाल बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं छोड़ पाया और उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद दक्षिण भारत में अंधकार का युग आ गया और कोई भी एक राजा ऐसा ताकतवर नहीं रहा जो ऑर्गेनाइज कर सकता था। फिर जन्म हुआ गौतमी पुत्र सातकर्णी का, जिसने मात्र सत्तात्मक व्यवस्था के तहत अपनी सत्ता स्थापित की। नाम था गौतमी पुत्र, उसकी माँ का नाम गौतमी था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने लगभग 28 वर्ष तक शासन किया प्रभावशाली ढंग से। और उसके शासन के दौरान सातवाहनों की सत्ता दक्षिण के अंत तक पहुंच गई, बिल्कुल दक्षिण का टच कर दिया उन्होंने, अंत तक पहुंच गई। ये सातवाहनों का सबसे बड़ा उत्कर्ष हुआ। गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसे त्रिसमुद्र तोय पितावाहन कहा जाता है, उसे वेणकटक स्वामी भी कहा जाता है, उसे विंद नरेश भी कहा जाता है, उसे राजा राम भी कहा जाता है। उसकी 4 उपाधियाँ हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी की। तो विंद नरेश इसीलिए याद रखना जरूरी है कि जैसे किसी ने कहा कि विंद नरेश का टाइटल किस राजा को मिला हुआ है, तो वो जरूरी नहीं है कि विंद प्रदेश का हो, विंद प्रदेश का हो, विंद तक उसकी सीमाएं, वहां पर उसके सेनापति रहते थे। तो उसने विंद नरेश की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा जब उसका अंत होता है तो आता है चतुर्थ पुलमावी, सॉरी वशिष्ठी पुत्र, गौतमी पुत्र वशिष्ठी। उसने बहुत अधिक शासन तो नहीं किया, हाँ, लेकिन उसने जो सिक्के चलवाए उन पर जहाज का चित्र छपा हुआ था, जो पानी का जहाज होता है उसका। तो उसके सिक्कों को देख करके बहुत से लोग ये कहते हैं कि उसके पास बहुत अच्छी नौसेना थी, नेवी बहुत अच्छी थी उसके पास, तो ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। लेकिन उस जब वो यहाँ पर शासन कर रहा था, उस समय यहाँ से कुछ शक शासक आ गए थे जिन्होंने उसको हराया। उस शक शासक का नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन ने उसको पराजित किया था, शक रूलर ने। तो अगर कहेंगे कि ब्राह्मण वंश का पहला शासक जिसे शक शासकों ने पराजित किया, तो वो था वशिष्ठी पुत्र, उसको पराजित कर दिया। लेकिन जब उसका पुत्र आया चतुर्थ पुलमावी, तो उसने वो जगह वापस ली और शकों को हरा करके वापस भेजा, और जो कुछ शकों ने उससे छीना था उसके पिताजी से, वो उसने फिर से वापस लिया। जब उसने शकों को हराया तो शक शासक रुद्रदामन सेकंड था, उसने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी पुलमावी से। तो शकों के साथ वैवाहिक संबंध चतुर्थ पुलमावी ने स्थापित किए, ना कि गौतमी पुत्र ने कर पाए। तो क्यों? क्योंकि इसने अपने पिता का खोया हुआ साम्राज्य फिर से वापस ले लिया और दक्षिण की तरफ अपने राज्य को फिर से फैला दिया। ये राज्य इतना अधिक शक्तिशाली था, लेकिन इसकी एक कमी थी कि ये उत्तर के क्षेत्र को खाली छोड़ दिया इसने। दक्षिण में खूब ताकत लगाई और दक्षिण के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, उत्तर इसने खाली छोड़ दिया। यही इसका परिणाम था। अगर परीक्षा में प्रश्न जैसे बहुत थोड़ा सा टिल्ट होके आए कि कनिष्क के, या फिर कनिष्क का डायनेस्टी कौन सी थी, कुषाण, कुषाणों के उत्तर भारत में सफल होने के लिए सातवाहनों की कौन सी नीतियां उत्तरदायी थी, या कौन सी नीतियां उत्तरदायी थी? राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक। भौगोलिक, क्योंकि भूगोल के हिसाब से उन्होंने नर्मदा कभी पार ही नहीं की। नर्मदा पार करके अगर वो थोड़ा सा उत्तर में आते और आ सकते थे, लेकिन चूंकि वो दक्षिण में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहे, तो नर्मदा को अगर क्रॉस कर पाते तो शायद कनिष्क को इधर आने का मौका नहीं मिलता, कुषाण वंश को। तो उत्तर भारत में जो वैक्यूम क्रिएट हो गया, उस वैक्यूम को भरने के लिए कोई ना कोई तो आएगा ही। शक आएंगे, यूची आएंगे, पहलव आएंगे, सीथियंस आएंगे, कोई ना कोई तो आएगा ही। और उसमें शक लोग आ गए, यूची लोग आ गए, और यूची लोगों का एक कबीला होता था। उस कबीले के सभी सरदारों को, सभी लोगों को कुचियान कहते थे। ऐसे बहुत सारे कुचियान रूलर थे। एक कुचियान रूलर भारत के क्षेत्रों में आ गया और वहाँ बस गया पेशावर के क्षेत्रों में। चूंकि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो भारत के प्रति उसका लगाव बहुत था, और उसने पेशावर में अपनी सत्ता स्थापित की। उसका नाम था कुज़ उल कड़फिस। तो कड़फिस, और उसके बाद उसका बेटा आया जिसका नाम था बिम कड़फिस। तो कुजुल जब आया तो उसने कॉपर कॉइन्स चलाए थे, जब बिम आया तो उसने गोल्ड कॉइन्स चलाए, लेकिन उस कॉइन्स में गोल्ड का परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं था।
जब भीम कटवीस का बेटा आया उसका उत्तराधिकारी, तो उसको कहते थे कनिष्क। कनिष्क ने सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। तो दोनों प्रश्नों के अलग अलग उत्तर हैं। भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलवाने वाला भीम कटवीस है, भारत में सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाने वाला कनिष्क है, जिसने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। और अगर कोई पूछेगा वंश कौन सा है, तो कुषाण है। लेकिन इस कुषाण वंश की जानकारी हमको कहाँ से मिली, कहाँ से मिलती है इसकी जानकारी, सोर्स क्या हमारे पास इसको जानने का? अब मैं कुषाण के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या पढ़ूँ? लूसेंट, कौन से एविडेंस? हाँ, लिटरेरी सोर्स मिला है हमको। एक किताब है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ हैन डायनेस्टी। हैन डायनेस्टी चीन की डायनेस्टी है। द हिस्ट्री ऑफ हैन डायनेस्टी है, उस किताब के दो हिस्से हैं। ये किताब लिखी गई है, इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा लिखा है इसका फान कू ने, और दूसरा हिस्सा लिखा है फान हे ने। फान कू ने और फान हे ने, जो पहला हिस्सा है उसको कहते हैं यो हैन होन्सू, यो हैन होन्सू। दूसरा हिस्सा है उसको कहते हैं हाउ हांसू। इंग्लिश में सरल पड़ेगा। पहले हिस्से को कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट हैन डायनेस्टी, और दूसरे को कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ लेटर हैन डायनेस्टी। तो वो हाउ हांसू है, ये यो हैन होन्सू है, ये होन्सू है, वो हाउ हांसू है। दोनों को अलग अलग लोगों ने लिखा है। इससे ही हमको पता लगता है कि पहला राजा कौन आया यहाँ पर। तो उससे ही जानकारी मिली कि कुजुल कटवीस आया, वरना कनिष्क बहुत फेमस हो गया था। लेकिन ये दोनों ही शासक पेशावर तक ही सीमित रहे, पेशावर के क्षेत्रों में ही आए। इन्होंने अपनी कोई सत्ता घोषित स्थापित नहीं की। जब कनिष्क आया तो उसे पता लगा कि ये वो क्षेत्र है जो बुद्धिस्टों का रहा है, पास में तक्षशिला है, तो उसने वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की और पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया, जिसे बाद में पेशावर का नाम दिया गया। तो उसकी एक्चुअल कैपिटल थी पुरुषपुर, और चूंकि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो वहाँ उसने एक स्तूप बनवाया। और स्तूप किसके लिए बनवाया कि उसने सबसे पहले बौद्ध काउंसिल बुलाई, फोर्थ काउंसिल बुलाई बुद्धिस्ट। उसके लिए उसने अपने दरबार के जो यहाँ के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे उनको अपॉइंट किया, जिनका नाम था बशुमित्र। और उसमें एक वाइस प्रेसिडेंट को भी अपॉइंट किया गया, अश्वघोष को। इन लोगों ने बुद्ध के बड़े उपदेश दिए। कनिष्क ने उन उपदेशों को एक कॉपर प्लेट पर लिखवाया, तांबे के पत्र पर लिखवाया, और लिखवा करके उसको फोल्ड किया, उसे एक उसमें रखा बर्तन में, और उस बर्तन को एक उसमें अंडिका में रख के बड़े स्तूप का निर्माण करवाया। तो कनिष्क के स्तूप में बौद्ध की अस्थियां नहीं है, ना ही बुद्ध की कोई वस्तुएं हैं, ना उनके शिष्य के वो हैं। उसमें क्या है, बौद्ध धर्म के विचारों को ताम्र पत्र पर लिख करके उन पर स्तूपों का निर्माण कराया, और ईंटों से बनवाया स्तूप। बहुत बड़ा स्तूप था, जिसे महास्तूप कहा जाता था। अब वो अवशेष भी नहीं बचे हैं उसके, अब टूट चुका है। तो ईंटों का बहुत बड़ा स्तूप बनवाया, और इस तरह से वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बना, और बौद्ध धर्म का उसने प्रचार प्रसार किया। चूंकि बौद्ध धर्म उसी काउंसिल में दो हिस्सों में बट गया था, हीनयान महायान, और कनिष्क खुद महायान को मानते थे, हीनयान को नहीं मानते थे। और इसीलिए चीन के क्षेत्रों में आज भी महायान प्रचलित है, हीनयान प्रचलित नहीं है। महायान में बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं, और एक देवता के रूप में उनकी पूजा होती है, जबकि हीनयान में उनके विचारों की पूजा होती है, बाकी उसकी पूजा नहीं होती है। मूर्तियाँ नहीं बनती हैं, बिहार बनते हैं और चैत्य बनते हैं। चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? हाँ, और बिहार, बिहार कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही है। अ पर्टिकुलर प्लेस विच इज यूज बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क, जो बौद्ध साधु यूज करते हैं अपने रहने के लिए, उसे कहते हैं बिहार। जिस भी क्षेत्र में बौद्धों का वास होगा उस क्षेत्र को बिहार कहते हैं। शायद इसलिए हमारे इस पूर्वी क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा उस समय। और जब बौद्ध लोग अपनी पूजा अर्चना आराधनाएं करते हैं जिस स्थानों पर बैठ करके, उनको कहते हैं हम बिहार, वो चैत्यास। तो चैत्य पूजा स्थल होता है, बिहार निवास स्थल होता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा चैत्य कहाँ है? अक्सर दोनों पास पास ही होते हैं। हाँ, नागपुर में है कारले चैत्य, बहुत प्रसिद्ध है, वो बना हुआ है वहाँ पर। तो इस तरह से वहाँ पर कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। कनिष्क ने अपने दरबार में बहुत सारे विद्वानों को संरक्षण दिया हुआ था। कौन कौन से थे वो? सबसे पहले तो चरक। चरक क्या करते थे? आयुर्वेदाचार्य थे, चरक संहिता इन्होंने लिखी। नागार्जुन, नागार्जुन साहित्यकार भी थे, साइंटिस्ट भी थे, जिन्होंने माध्यमिक सूत्र लिखा है। ठीक, और उनकी तुलना आइंस्टीन से की जाती है, नागार्जुन की।
इसके अलावा उनके दरबार में पार्श्व थे जिनकी तुलना मिल्टन से की जाती है। उनके दरबार में अश्वघोष हैं, है ना। अश्वघोष की तुलना किससे की जाती है? वोल्टेयर कौन थे? हाँ, वोल्टेयर कौन थे? वोल्टेयर एक अंग्रेजी के लेखक हैं, वोल्टेयर। और वोल्टेयर की सबसे अच्छी किताब है जिसका नाम है सबलाइन, वोल्टेयर की, तो उससे उनकी तुलना की जाती है। इसके अलावा उनकी तुलना मिल्टन से भी कर देते हैं कभी कभी, है ना। इसके अलावा उसके दरबार में एक और थे जिनका नाम था पार्श्व। पार्श्व ने, नागार्जुन ने, दोनों ने वसुमित्र का बड़ा सहयोग किया था जब वसुमित्र ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है महाविभाषा सूत्र, महाविभाषा सूत्र। और इस किताब को ही बौद्ध धर्म का डिक्शनरी कहते हैं, इसको ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश या डिक्शनरी कहा जाता है। ये उसी समय लिखी गई। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र भी उसी समय लिखा और चरक ने चरक संहिता लिखी जो आज आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। लेकिन आयुर्वेद का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ चरक संहिता नहीं है, अष्टांग हृदय है, जो भी लिखा नहीं गया है, गुप्त काल में लिखा जाएगा। लेकिन सबसे पहला मूल ग्रंथ चरक संहिता ही है। उसके बाद दूसरा है अष्टांग हृदय, जिसको बागवट लिखेंगे अभी गुप्त काल में आकर के। तो उसका योगदान सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है। चूँकि कनिष्क चाइना से आया था तो वो निश्चित ही ये चाहता था कि यहाँ के और चाइना के मध्य बहुत अच्छे संपर्क स्थापित हों, और उन संपर्क को व्यापारिक रूप प्रदान करने के लिए उसने सिल्क रूट को डिस्कवर किया, तो सिल्क रूट भी बने। तो उत्तर भारत के क्षेत्र में कनिष्क ने सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से अच्छे कार्य किए। अगर मैं बात करूँ कलात्मक रूप से, तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि उसके समय पर दो प्रसिद्ध कला केंद्र विकसित हुए, एक गांधार कला केंद्र और एक मथुरा कला केंद्र। मथुरा की मूर्तियाँ कैसी होती थी? हाँ, पीछे तरफ वो बना रहता था, आभा मंडल जिसको कहते हैं। और मथुरा की मूर्तियाँ बुद्ध के अलावा अन्य देवी देवताओं की भी होती थी। लेकिन गंधार की मूर्तियाँ किस भगवान को समर्पित थी? बुद्ध को समर्पित थी। और गंधार की मूर्तियाँ सदैव पत्थर की बनाई गई, बहुत बड़ी विशाल मूर्तियाँ बनाई जाती थी, महापरिनिर्वाण मुद्रा में बनाई जाती थी मूर्तियाँ। लेकिन मथुरा की मूर्तियाँ धातु की भी बनाई गई, साइज में छोटी बनाई गई, अन्य देवी देवताओं को भी थी। लेकिन बेसिक अंतर दोनों में ये था कि गंधार मूर्तिकला कैसी थी? रियलिस्टिक, यथार्थ थी। और ये वाली मूर्तिकला कैसी थी? आदर्शवादी। हमारे वैदिक परंपरा में अभी जैसे मूर्तियाँ बनती हैं तो वो कौन सी होती हैं, आदर्शवादी या यथार्थ? आदर्शवादी होती हैं। और आदर्शवादी चीज़ें सदैव सुंदर होती हैं, क्योंकि जब हम कल्पना करते हैं किसी चीज़ की तो सुंदर कल्पना करेंगे। और यथार्थ मूर्तियाँ वो हैं जो वास्तविक जैसी हैं वैसी की वैसी बनती हैं, ठीक। तो ये यहाँ पर दो कला केंद्र विकसित हुए, किसके समय पर? कनिष्क के समय पर। कनिष्क का बौद्ध धर्म के लिए क्या योगदान है? कि उसने बौद्ध संगीति बुलवाई, महाविभाषा सूत्र लिखवाया, बौद्ध धर्म के लिए स्तूपों का निर्माण करवाया, ये उसकी बौद्ध धर्म के लिए योगदान है। लेकिन कनिष्क ने बौद्धों के साथ साथ अन्य धर्मों को भी उसने विरोध नहीं किया था। उस समय जितने भी वैष्णव रहते थे, शैव रहते थे, वरना मथुरा में अन्य धर्मों की मूर्तियाँ कैसे बनती? ये तो संभव ही नहीं था अगर वो कट्टर होता। तो अशोक के जैसा कट्टर नहीं था वो। अशोक ने जैसे ही बौद्ध धर्म को पूरा का पूरा बल दिया, इसने बौद्ध धर्म का प्रचार तो किया, साथ साथ दूसरे धर्मों के लिए भी स्पेस रखा कि दूसरे धर्मों का विरोध भी नहीं करेंगे हम। तो उसने सभी धर्मों के लिए कार्य किया, इसलिए कनिष्क को भारतीय संदर्भ में बहुत अच्छे शासक के रूप में माना जाता है। जब हम कनिष्क को मेंस में उसके लिए आंसर लिखते हैं कि कनिष्क की उन विप्लवकारी नीतियों को लिखिए जिन्होंने तात्कालीन समय में भारत की बौद्धिक परंपरा के साथ साथ वैदिक परंपरा को भी प्रश्रय प्रदान किया, उसको समझाइए, तो हम उसकी भूमिका को समझा सकते हैं कि उसने क्या क्या किया कनिष्क ने। तो कनिष्क का योगदान निश्चित ही संदर्भ में बहुत उल्लेखनीय रहा। जब कनिष्क ऊपर शासन कर रहा था, यहाँ पर सातवाहन वंश कमजोर हो रहा है, तब ध्रुव दक्षिण में क्या हो रहा है? यहाँ भी तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा ना ध्रुव दक्षिण में, बताओ। काय की तैयारी कर रहे थे? नहीं तो वहाँ कोई तो होगा ना राजा। देखो, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा जिसे हम लोग कहते हैं संगम, सुना है? क्या अर्थ होता है इसका? मिलन समान होता है तीन चार नदियों का, गंगा का संगम कहाँ है? अलाहाबाद में। कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? देखा सरस्वती को मिलते हुए किसी ने? तो आएंगी तो इधर से, और कहाँ से आएंगी, ऊपर से कैसे आएंगी? मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ
इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम कहा जाता है उसको, है ना, प्रयाग जिसको कहते हैं, त्रिवेणी संगम है, तो वो त्रिवेणी संगम है, वहाँ पर गंगा यमुना तो दिखाई देती है मिलती हुई, तीसरी नदी कौन सी है, वहाँ तो मिलती दिखती नहीं किसी को, तो फिर क्यों कहते हैं उसको संगम, काहे कहते हैं फिर उसको संगम का शाब्दिक अर्थ होता है मिलन। अरे इतना अपन को ज्ञान नहीं चाहिए, वो अपन को वो चाहिए कि वहाँ पर तीसरी नदी कहाँ है, दिखती नहीं है। तो फिर इतनी देर से यही तो पूछ रहा हूँ क्यों नहीं दिखती है, मैं कह दूँ वहाँ पर पांच मिलती हैं, लो नहीं दिखती, तीन नहीं दिख रही, दो दिख रही बस, ये तुमने इतनी खतरनाक और परिभाषा बनाई है अभी भी बैठे बैठे आप बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ, देखो आज से लगभग 200 वर्ष पहले वहाँ सरस्वती थी, आज नहीं है, समझिए ज्योग्राफिकल एनसाइक्लेशन भी कुछ ना कुछ होता है ना, तो पहले सरस्वती नदी थी वहाँ पर जो मिलती थी प्रॉपरली, एक धारा थी जो हनुमान की पहाड़ी से निकलती है, पीछे हनुमान पहाड़ी है वहाँ पर, वहीं से निकलती थी वो और उसमें आके मिलती थी, आज के वहाँ के लोग कहते हैं कि वो मिलती तो है लेकिन अंदर ही अंदर मिल जाती है वो, कि उनको पता भी नहीं है कि कहाँ मिल जाती है, वो ऐसे ही कह देते हैं लोग, तो वो तभी से उसका नाम त्रिवेणी संगम है जब वहाँ पर तीन धाराएँ थीं, आज तीन धाराएँ हैं ही नहीं वहाँ पर, दो ही धाराएँ है ना, जो इलाहाबाद के रहने वाले होंगे उनको पता होगा अच्छे से। हम इस बात के लिए बात कर रहे हैं कि दक्षिण भारत में एक पीरियड है जिसको हम लोग कहते हैं संगम काल, तो संगम काल की जब मैं बात करता हूँ तो मैं आपसे जैसे पूछूँ संगम काल क्या है, तो आप लोग उसका उत्तर क्या देंगे संगम काल का, कई सारे जो राजा हैं उन्होंने, बिल्कुल सही है, जब मौर्यों का पतन हुआ तो ध्रुव दक्षिण में नदियाँ थी, जैसे कि एक थी कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी के दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ थी तुंगभद्रा नदी, तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में एक ऐसा क्षेत्र था जिसे तमिलकम प्रदेश कहते थे, तमिलकम प्रदेश, ये याद रखना कि तमिलकम प्रदेश किन दो नदियों के मध्य है, ठीक, तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच था, उस प्रदेश में कुछ तीन राजवंश विकसित हुए अलग अलग क्षेत्रों में, एक था चोला, एक था चेरा और एक था पांड्या, ठीक, ये तो पढ़े ही होंगे, हैं, हाँ, कौन थे इनके फाउंडर, तो वो कहानी बताओ कहानी बताओ अभी कोई सर पैर नहीं है, ठीक से बताओ अच्छा मैं बता दूं पहले, कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ तो इस पूरे के पूरे संगम काल में तीन राजवंश थे, चोला चेरा पांड्या, तीनों राजवंश ने दक्षिण भारत में एक तमिल साहित्य को विकसित करने का बीड़ा उठाया, क्यों उठाया, क्योंकि उत्तर भारत का पूरा साहित्य संस्कृत में लिखा हुआ है और संस्कृत के प्रभाव दक्षिण में ना पड़े, क्योंकि ऊपर की संस्कृति आर्य संस्कृति है, दक्षिण की संस्कृति द्रविड़ संस्कृति है, और आप जानते हैं कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से रिटेलिएट करती है, अपनाना नहीं चाहती है, कट्टर संस्कृति कभी दूसरे में मिक्स नहीं होना चाहती है, और दक्षिण के द्रविड़ लोगों को लगता था कि उत्तर के आर्यों की संस्कृत भाषा हमारे अंदर प्रवेश ना कर जाए और हम उसे पसंद नहीं करते हैं, तो उन्होंने अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि उत्तर तो वेद पुराण बहुत कुछ है उत्तर में, तो दक्षिण में ऐसा कुछ नहीं है, तो दक्षिण में उन्होंने न केवल तमिल भाषा के लिए बल्कि द्रविड़ संस्कृति की रक्षा करने के लिए, द्रविड़ संस्कृति को विकसित करने के लिए बड़ी बड़ी गोष्ठियां बुलाई, सेमिनार्स बुलाए, उन सेमिनार्स को हम लोग कहते थे संगम, किसके लिए बुलाए गए, वो तमिल भाषा के विकास के लिए, ठीक, और ये कब हुआ, जब मौर्योत्तर काल शुरू हुआ तब जाकर के हुआ, इसमें तीन राजवंशों ने योगदान निभाया, चोला ने, चेरा ने और पांड्या ने, चोल राजवंश उनमें बहुत शक्तिशाली था, जिसका जो नेशनल सिंबल होता था उनका, उसको कहते थे बाघ, टाइगर, टाइगर था, और उनकी कैपिटल थी उरेऊर और उपराजधानी थी कांची, ठीक, ये उनकी दो राजधानियां होती थी, एक राजवंश था जिसका नाम था चेरा, चेरों का राजकीय चिन्ह क्या था, धनुष, तीर और धनुष, राजधानी क्या थी चेरों की, चेरों की राजधानी, पांड्यों की मदुरई, मदुरई, और चोलों की उरेऊर, तो इनकी क्या बची है, कांची,
जो उनकी उपराजधानी थी उस पर ये शासन करते थे चेर, तो ये राजधानी थी और चेरों का चिन्ह था धनुष और तीर। पांड्य ध्रुव दक्षिण में थे, आज के मालाबार के क्षेत्रों में थे पांड्य, और वहाँ उनका राज के चिन्ह था मछली। और शासक जो इन तीनों को संस्थापक थे वो कैसे कैसे थे? चोलों के फाउंडर कल बताया था, बड़ा सा नाम बताया था, नहीं बहुत बड़ा था। चोलों के फाउंडर थे उर बप हर्रे इलंजे नाड़ियार चलम शॉर्टकट कुछ भी रख लो, उल्लू रख लो, मतलब कुछ भी रख लो, उसमें अपन क्या कर सकते हैं शॉर्टकट में, नाम उनका यही था। ठीक, ऐसे ही अगर हम चेरों के साथ आएंगे तो उनके फाउंडर कौन थे? उडियन, और उनके साथ थे नेडिगोलन। तो इस तरह से वहाँ पर जिन तीन राजवंशों ने विकास किया, प्रश्न ये है कि संगम काल में कितने राजवंश थे? तो तीन, बहुत सरल उत्तर है। इन तीनों में सबसे शक्तिशाली कौन सा था? पांड्य, सॉरी चोला, ये भी तय है। चोलों की दो उरे और राजधानी थी, उप राजधानी कांची थी, जिस पर चेरों की राजधानी भी मानी जाती थी, है ना, ये उपराजधानी पर वो शासन करते थे, ये इसलिए तो उनकी लड़ाई चलती रहती उनके साथ हमेशा ही। और फिर इस राजवंश ने एक बड़ा काम किया था, संगम साहित्य का विकास करना। उस संगम साहित्य में सबसे बड़ा योगदान चोलों का नहीं रहा, सबसे ताकतवर वंश चोल है, सबसे बड़ा योगदान पांड्यों का रहा। पांड्य शासकों ने सदैव कहा कि हमको अपनी द्रविड़ संस्कृति की रक्षा करने के लिए काम करना है, और उसको काम करने के लिए तमिल भाषा का व्याकरण भी विकसित करना है, तमिल भाषा को भी बढ़ावा देना है, और इसीलिए संगम बुलाए गए। उन संगमों में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई जिनकी संख्या 8000 से भी ज़्यादा है संगम साहित्य में। उनमें से अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक निकालूं तो मुझे प्राप्त होती है तोलकाप्यम। तोलकाप्यम प्राप्त होती है, जिसे किसने लिखा था? अगस्त्य ऋषि के शिष्य ने लिखा था, जिनका नाम तोलकाप्यम था, है ना। तो तोलकाप्यर ने तोलकाप्यम लिखी, वो अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे। ये वही अगस्त्य ऋषि हैं जिनको पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्षिण की ओर चले गए थे, उस समय हमारे यहाँ इंक्लाइनेशन हो रहा था और विंध्य पर्वत बड़ा हो रहा था, तो जब इसको पार करके गए अगस्त्य ऋषि, तो विंध्य पर्वत से कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आऊं तुम बढ़ोगे नहीं, इतने ही बड़े रहोगे। और वो फिर वापस आए नहीं, तो विंध्य पर्वत हमारा छोटा रह गया, उसका कैसा ही है ना। ये पौराणिक कथा है, हिस्ट्री नहीं है ना, ज्योग्राफी है ना। ठीक, तो वो अगस्त्य ऋषि आज भी दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध ऋषियों में से एक हैं, और उन्हीं के अनुसार कुंडली बनाई जाती है दक्षिण भारत की। अगस्त्य कुंडली बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि उसमें जन्म के साथ साथ मृत्यु का दिनांक भी बता दिया जाता है कि आप किस दिन मरेंगे, इसलिए लोग उससे बनवाते नहीं हैं, और सब लोग बना भी नहीं पाते उससे, बात तो ये भी है। अगस्त्य ऋषि ने लिखा। इसके अलावा वहाँ पर एक और बुक लिखी गई जिसको कहते थे पुत्तुपातु। पुत्तुपातु ये बड़ी फेमस किताब थी उसी समय, चूंकि नाम ऐसा ही मिलेगा क्योंकि तमिल में है वो। तीसरी किताब इसी साहित्य में लिखी गई जो सबसे प्रसिद्ध, मतलब इसके बाद की जो सबसे प्रसिद्ध थी, उसको कहते थे एडनकुन्नु। एडनकुन्नु व्याकरण का, तमिल व्याकरण की सबसे अच्छी किताब मानी जाती है एडनकुन्नु। पुत्तुपातु भी बहुत फेमस है, तोलकाप्यम भी बहुत फेमस है जो पूरी व्याकरण पर आधारित है। इसके अलावा तमिल में 5 महाकाव्य भी लिखे गए। कौन कौन से? एक तो महाकाव्य, एक आध तो बता दो, कुछ भी याद नहीं आ रहा तुमको? तमिल में नहीं है बेटा वो तमिल में, जैसे बुद्ध में कहेंगे पाली में महाकाव्य कौन सा है? बुद्ध चरित। अगर कहेंगे तमिल का महाकाव्य कौन सा है तो सिलप्पा कादिरम। सिलप्पा कादिरम ये महाकाव्य है, और इसको किसने लिखा था? इलेंगो आदिकलन ने। इलेंगो आदिकलन ने इसको लिखा था। ये कहानी किसकी है? केवलन राजा है और उसकी पत्नी है कन्नन, उसकी शादी कहानी उसमें लिखी हुई है। ठीक, ये पहला महाकाव्य है तमिल का। दूसरा महाकाव्य कौन सा है? मणिमेखला। मणिमेखला इसके बाद की कहानी है, जो केवलन है उसकी एक और पत्नी थी मधुमती, जो एक वेश्या की पुत्री थी, उसकी कहानी आगे बढ़ती है, तो वो दूसरा महाकाव्य बनता है इसको। लेकिन इलंगो आदिकालन ने नहीं लिखा है, इसको सत्यनार ने लिखा है। और तीसरा महाकाव्य है जिसका नाम है जीवक चिंतामणि, जिसको तिरुवरु कलवर ने लिखा है। तिरुवरु कलवर ने इसको लिखा है, ये तीसरा महाकाव्य है। तीन महाकाव्य हुए, चौथा और पाँचवें महाकाव्य हैं, उसके बारे में हमको विषय वस्तु प्राप्त नहीं होती है कि ये किस बारे में, लेकिन लिखे उसी समय गए थे। एक है वेलियो सेंडु, वेलियो सेंडु, एक है कोकियो दुनु। ये 5 महाकाव्य हैं तमिल के। ये तमिल के महाकाव्यों ने पूरे तमिल साहित्य को, और इसके ठीक बाद तमिल भाषा में रामायण लिखी गई जिसे कम्बन रामायण कहते हैं। कौन सा? कुलुक सेंडु,
एक वेलियो सेंडू। तो जो कंबन की रामायण पढ़ी है? नहीं पढ़ी होगी, तमिल में कैसे पढ़ेंगे? रामचरित मानस नहीं पढ़ा होगा तुमने ठीक से। तब पढ़ेंगे नहीं, इसका मतलब नहीं बेटा, नाम अलग अलग रखे गए हैं उसमें, लेकिन जो रामायण की जो कहानी है वो तो एक ही है, लेकिन वो वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है, रामचरितमानस से प्रभावित नहीं है, क्योंकि अभी तक रामचरितमानस तो लिखी नहीं गई है। रामचरितमानस तो अकबर के काल में लिखी गई है, तुलसीदास ने लिखी थी और स्थानीय भाषा में लिखी थी, और ये तो कठिन रामायण है। सबसे पुरानी आदि रामायण किसे कहते हैं? वो आदि रामायण नहीं है, लेकिन बहुत पुरानी है वो भी। आदि रामायण किसे कहते हैं? मोदी जी सुन लेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे बेटा, मोदी जी सुन लेंगे तो बहुत गुस्सा होगा, तुमको रामायण नहीं पता है? बताओ। आदि रामायण काक भुसुंडी की रामायण को कहते हैं, काक भुसुंडी रामायण को। पहली बार सुना है? काक भुसुंडी कौआ था। हाँ कौआ था, कौओं के राजा थे, उनको रामायण सुनाई, उनको रामायण सुनाई थी भगवान शिव ने। तो वो रामायण लिखित नहीं है, वो मौखिक रूप से है, अवेलेबल नहीं है, उसको आदि रामायण काल्पनिक नहीं है, आदि रामायण है, उसको आदि रामायण कहते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये वाल्मीकि रामायण आई, उसके बाद कम्बन रामायण आई, उसके बाद रामचरितमानस आई। तो रामचरितमानस और बाकी रामायण में अंतर है। रामचरितमानस किस किस ने पढ़ा, ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना, मैं पूछूंगा नहीं तो। किसने नहीं पढ़ा? वाल्मीकि पढ़ा है। तो बताओ हनुमान और राम का मिलन कौन से कांड में होता है? रुक जाओ, उसको बताने दो, कौन से कांड में होता है? वन गमन नाम का कोई कांड नहीं है। तुम तो एक नया कांड कर रहे हो, ऐसे थोड़ी चले। वह मैंने सोचा वन गमन कांड, फिर तो बहुत सारे कांड होंगे उसमें, राम विवाह कांड अलग हो जाएगा। हाँ किष्किंधा कांड में मिले थे, किष्किंधा कांड में। किष्किंधा पर्वत कौन से स्टेट में पड़ता है? आज के नहीं, कर्नाटका में, आज के कर्नाटका में पड़ता है। तो उस समय तमिल साहित्य का विकास हुआ, और तमिल साहित्य में 5 महाकाव्य लिखे गए, व्याकरण के ग्रंथ लिखे गए, यानी दक्षिण भारत उस समय अपनी संस्कृति को अलग कर रहा था, और उत्तर भारत अपनी संस्कृति को पहले ही संपन्न बना चुका था। इन सब के देखते हुए दक्षिण भारत में तमिल का जब विकास हो रहा था, उस समय तक कनिष्क के बाद के शासकों में पतन होना शुरू हो गया, और कनिष्क के बाद होविस्क शासक हुआ। होविस्क बहुत समय तक शासन नहीं कर पाया, क्योंकि तब तक व्यापारियों का बोलबाला हो गया, जिन्होंने बहुत धन कमाया अगले 100 साल में, और व्यापारियों के उस धन कमाने के कारण से व्यवस्थाएँ बदलती हैं, भौतिकवाद आता है। भौतिकवाद समझते हैं? समझते तो तुम कुछ भी नहीं हो, खैर। भौतिकवाद, बिल्कुल सही कहा। हमारे पास 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक वो चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं संस्कार, ज्ञान, संस्कृति, जो हमको दिखाई नहीं देती है, एक जो हमारे पास होता है रुपया पैसा मकान बिल्डिंग ये सब है। तो जब हम इनमें से किसको महत्व देंगे, अगर हम संस्कृति को महत्व देंगे तो हम संस्कृतिवान कहलाएंगे और सांस्कारिक कहलाएंगे, और अगर हम इनको महत्व नहीं देंगे, भौतिक चीज़ों को महत्व देंगे, रुपया पैसा को, तो हम क्या कहलाएंगे? भौतिकवादी कहलाएंगे। तो वर्तमान संसार कैसा है? तब भी लोग भौतिकवादी होते थे, जिनको मान सम्मान इत्यादि की दिक्कत नहीं है वो भौतिकवादी होते थे, और इसकी कहानी बहुत दूर तक चली। आज भी संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों की सोच भौतिकवाद को लेकर होती है, कुछ लोगों की सोच ज्ञान, संस्कृति इत्यादि को लेकर होती है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पैसा मिलना चाहिए बस, इससे भी फर्क पड़ता है। जैसे कल को कोई लड़की अपने पिता से कहती है पिताजी मैंने शादी कर ली, तो पिता पहले गुस्सा होंगे, तुम शादी कैसे कर ली बिना पूछे? गुस्सा और ज़्यादा तब होंगे जब वो कहेगी मैंने इंटरकास्ट करी, तो और ज़्यादा गुस्सा होंगे, हाइपर हो जाएंगे, ये तुमने कैसे करी, पूरा मान सम्मान समाज वहाँ सब तुमने पीछे छोड़ दिया। फिर वो धीरे से कहेगी कि लड़का IAS है। फिर वो थोड़ी बार कहेंगे ठीक है बता तो देते, शांत हो गए, क्यों हो गए शांत, हो तो भौतिकवादी हो गए वो, है ना, भौतिकवाद थे तो वो अपने आप शांत हो गए, यार चलो ठीक है जो भी हुआ। तो कुल मिला के ये है कि भौतिकवाद लोगों की राय बदल देता है। हमारे इस पूरे संसार में इंग्लिश का जो ज्ञान है
वो इंग्लैंड ने सबसे पहले संसार को दिया था, इंग्लैंड ने। अमेरिका जब आया तो अमेरिका के पास बहुत पैसा था, लेकिन अमेरिका को लोग जानते नहीं थे। अंग्रेज का मतलब होता है इंग्लैंड का निवासी, और अमेरिका के निवासी को हम कायदे से तो वैसे यांकी वर्ड आता है उसके लिए, यांकी कहते हैं उसको, इंग्लिश वालों को पता होगा जो इंग्लिश पढ़ा होगा उनको, यांकीज कहते हैं उनको। लेकिन फिर भी अमेरिका को बहुत इज्जत नहीं मिली जो इंग्लैंड को मिलती थी, जबकि इंग्लैंड बहुत छोटा है, एमपी से भी छोटा है, बहुत इज्जत मिली उसको। तो अमेरिका के लोग कहते थे देखो इज्जत विज्जत कुछ नहीं होती है, पैसा सब कुछ होता है। तो इंग्लैंड के लोगों ने कहा नहीं, इज्जत हमारी सब कुछ होती है, इज्जत हमारे पास है, क्योंकि इंग्लैंड के पास तो इज्जत ही बची थी, पैसा तो बचा नहीं था। तो उन्होंने कहा इज्जत सब कुछ होती है, उन्होंने कहा हमारे को पैसा सब कुछ होता है। इस बात का झगड़ा हुआ तो अमेरिका ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, भौतिकवादी संसार में लोग पैसे को ही महत्व देते हैं, किसी भी प्रकार के ज्ञान इत्यादि को महत्व नहीं देते हैं। अमेरिका की आज भी ये लड़ाई इंग्लैंड से चलती है। अगर आप देखेंगे, अगर आपको कोई भी ट्रेन में अंग्रेज मिलेगा और उसने आपसे कहा है थैंक्स, तो आप समझ जाइए ये अमेरिकन है। अगर उसने आपसे कहा है थैंक यू वेरी मच, तो आप समझ जाइए इंग्लैंड का है। अगर उसने पतली टाई लगा रखी है तो वो अमेरिकन है। अगर उसने मोटी टाई लगा रखी है तो वो इंग्लैंड का है। अगर उसने कोट पहन रखा है और कोट के पीछे दो कट लगे हैं, तो आप समझ जाइए ये इंग्लैंड का है, और एक कट लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे ये अमेरिका का है। और इसीलिए अमेरिका और इंग्लैंड की लड़ाई आज भी चलती है। अगर जो कफ पलट के रखते हैं वो अमेरिकन है, शर्ट का जो कफ पलट के रखते हैं, इंग्लैंड के लोग कभी भी शर्ट का कफ पलट के नहीं रखते। तो उन्होंने तो अपनी संस्कृति की लड़ाई ऐसी लड़ी है। एक छोटा सा वाक्या था जो बिसारत में मिलता है, तो मुझे कहते हैं कि अमेरिकन ने जब इंग्लैंड से ये कहा कि पैसा ही सब कुछ होता है, तो इंग्लैंड मानने को तैयार नहीं था। इंग्लैंड का हमारे देश में संस्कृति सब कुछ होती है, हम संस्कृति से आगे चलते हैं। तो अमेरिकन ने वहाँ पर इंग्लैंड के ऑफिस, इंग्लैंड में जाकर के एक ऑफिस खोला अमेरिकन ने, और वहाँ लिखा था कि जो भी एक जूता खाएगा उसको $10 देंगे। तो लोगों ने कहा है कौन आता है जूता खाने के लिए। फिर कुछ दिनों बाद देखा गया कि वहाँ एक भिखारी आया, उसने कहा दिन भर भीख मांगते हैं, $1 मिल पाता है, एक जूता खाओ एक सेकंड का काम है, $10 मिल जाएंगे। उसने एक जूता खाया खुश, ₹10 लेकर के, $10 लेकर के। अगली बार देखा तो दूसरे स्टेट के भिखारी भी वहाँ गए, अरे हमको भी जूता खिलवाओ। तो वो जूता लाइन लगा के जूता खा रहे हैं लोग। तो फिर उसने वहाँ पर रेट बढ़ाया, उस पर लिखा एक जूता बराबर $100। तो भिखारियों के बाद जो छोटा मोटा काम करते थे, कम पैसा कमाते थे, चलो यार सारा दिन मेहनत करते हैं कितना पैसा मिलता है, एक जूता खाओ एक सेकंड में ख़त्म, $100 लेके आ जाओ, तो ये भी अच्छा है, लाइन लंबी होती गई। उसने लिखा $1,000 एक जूते के। तो छोटे मोटे ऑफिस में काम करने वाले लोग भी जूता खा के जा रहे हैं ऑफिस, लाइन लगा के खड़े हुए हैं। पीछे वाले ने कहा कि आप भी जूता खाने आए? अरे हाँ ऑफिस जा रहे थे, निकल रहे थे, सोचा यहाँ से होते चलते हैं, क्या दो मिनट का तो काम है ही। एक समय ऐसा आया जब उसने लिखा उस पर कि एक जूता बराबर $1,00,000। तो ये कहानी ये सिखाती है कि वहाँ पूरा इंग्लैंड लाइन लगा के खड़ा हुआ है। तो उसने कहा अमेरिका ने, कहाँ है तुम्हारा संस्कृति ज्ञान, कहाँ है मान सम्मान, ये तो लाइन लगाए खड़े हैं सब। तो बड़ा बुरा लगा इंग्लैंड को कि ये तो बहुत ज़्यादा अति हो गई। तो पूरी गलियों में ढूंढा के कोई तो मिलेगा, तो गलियों में एक था व्यक्ति जो डाउनिंग स्ट्रीट पर बैठा हुआ जूते बना रहा था। उससे पूछा कि तुम जूता खाने नहीं गए? उसने कहा साहब मैं खाता नहीं, मैं बनाता हूँ। तो ऐसा कहा जाता है इस कहानी के अनुसार, ये कहानी पूर्णतः सत्य नहीं है, लेकिन कहानी की शिक्षा बहुत अच्छी है। मोरल मुझे कहता है कि मैं जूता बनाता हूँ, जूता खाता नहीं हूँ। तो इंग्लैंड ने उसको बड़ा सम्मान दिया कि तूने इंग्लैंड की इज्जत बचा ली, वरना बड़े बड़े बिजनेसमैन तो जूता खाने के लिए गए, तुम जूता खाने नहीं गया तो तूने इंग्लैंड की इज्जत बचा ली। तो इंग्लैंड की इज्जत बचाने में उसका बड़ा रोल है। इंग्लैंड में एक गली है, उसका नाम कॉबलर स्ट्रीट है, आज भी है। तो लोग इस घटना को इस कहानी से जोड़ देते हैं कि जो वही गली है जहाँ वो बैठता था, ऐसा नहीं है, वो लोगों ने ऐसे जोड़ दिया। ये कहानी भी पूर्णतः सत्य नहीं है, लेकिन इससे दिया हुआ ज्ञान सत्य है कि जब बात मुसीबत में होती है तो एक व्यक्ति भी बचा सकता है। तो भौतिक बात अच्छे से समझ में आया कि जब हम किन किन चीज़ों को महत्व देते हैं तो हम भौतिकवादी हो जाते हैं, और किन किन चीज़ों को महत्व देते हैं तो हम संस्कृतिवान हो जाते हैं। आज हमारे देश में भौतिकवादी है। आप भी अगर नौकरी लगेगी तो आप भले ही कितने भी ईमानदार हो, लेकिन आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली मेम्बर हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपसे ये उम्मीद करे कि आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे, वो भी तो भौतिकवाद से ही ग्रसित हैं। आपने अधिकारियों की उन व्यवस्थाओं को देखा है कि वो कितनी संपन्नता से रहते हैं, इसलिए तो अधिकारी बनना चाहते हैं। नेताओं को जब लोगों ने देखा कि नेता बनके बहुत पैसा कमा जाता, तो लोग नेता बनने लगे। तो संसार भौतिकवाद की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन 100% भौतिकवाद इस देश में कभी नहीं आ सकता है। साधु भौतिकवादी नहीं होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सोना है मिट्टी है सब बराबर है उसके लिए, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, लेकिन बाकी लोगों को तो पड़ता है फर्क। तो अधिकांश लोगों को पड़ता है,
और आज हम नहीं पूरी दुनिया में ही ऐसा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि भौतिक बात पर हम लोग निर्भर हो गए। विवाह में बहुत सारा भौतिक बात प्रवेश कर गया है। आप लोग बहुत छोटे हैं, आपने वो शादियाँ नहीं देखी होंगी जब भौतिकवादी व्यवस्थाएँ विवाहों पर हावी नहीं होती थी। उस समय विवाह कैसे होते थे, सब लोग मिलजुल के कर लेते थे, पैसा खर्च नहीं होता था। आज बिना पैसे के विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि आप गार्डन ही बुक नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। पहले तो घरों में ही हो जाता था, सब लोग काम कर लेते, लड़कियाँ हल्दी लगा देती थी, लड़के लोग लकड़ियाँ काट देते थे, गाँव में कोई व्यक्ति होता था जो खाना बना देता था, आता उसको कुछ नहीं था लेकिन बना देता था वो, तो सब जाके कलेक्टिवनेस थी। उस समय नहीं था ऐसा, लेकिन धीरे धीरे करके समाज बदल गया है। तो संस्कृतियों की लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा चलती रहती है। उत्तर भारत, अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, करंट से जुड़ी हुई, आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी हाल ही में कंसेंजाइन मैरिज हो रहे हैं साउथ इंडिया में, उसको कहते हैं कज़िन मैरिज। लोग अपनी ही कज़िन से विवाह कर रहे हैं, कज़िन से। क्यों, अखबार वखबार पढ़ते हो नहीं पढ़ते, हेडलाइन देखते हो तो उसमें ये खबर आ रही है कि क्यों लोग अपने परिवार की महिलाओं से, पुरुष या पुरुष महिलाएं अपने परिवार के पुरुष से विवाह कर रही हैं। दक्षिण भारत में पिछले 40 सालों से उत्तर भारत की संस्कृति प्रवेश कर गई है, और संस्कृति की लड़ाई इतनी बड़ी है, वो चाहते हैं कि हम लोग द्रविड़ के द्रविड़ रहें। धीरे धीरे आर्यों का मिक्सर होता जा रहा है द्रविड़ों के साथ, होना भी चाहिए मेरे अनुसार तो होना चाहिए। वो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हम द्रविड़ संस्कृति को शुद्ध रखेंगे, ऐसा करने के लिए हम कज़िन मैरिज को अलाउ करते हैं। तो कज़िन मैरिज वहाँ पर बहुत तेज़ी से अब होना शुरू हो गए हैं, इसलिए ताकि द्रविड़ लोग द्रविड़ से विवाह करेंगे तो द्रविड़ ही बने रहेंगे, द्रविड़ लोग आर्यों से विवाह करेंगे तो फिर वो आर्यों के जीन हमारे अंदर आते जाएंगे, DNA हमारे पास आते जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो दक्षिण भारत के क्षेत्रों को सांस्कृतिक रूप से अलग करती हैं। और मेरा मानना ऐसा है कि संस्कृति में कट्टरता नहीं होनी चाहिए, अपनापन होना चाहिए, सब अपनाइए। हम लोग क्या इडली डोसा नहीं खाते हैं, वो लोग भी दाल चावल खाते हैं, तो ये संस्कृतियों का सम्मिश्रण ठीक रहता है, थोड़ा सा इससे विकास ज़्यादा होता है। हाँ हो जाती है ना, मोमेडियंस नहीं, महाराष्ट्र में भी हो जाती है बहुत सारे लोगों में। हाँ, उसको कहते हैं क्रॉस कज़िन मैरिज। जनजातियों में उसको दूध लौटा हुआ कहते हैं, कुछ जनजातियों में राजस्थान में उसको आटा साटा कहते हैं, आटा साटा, और गोंड जनजाति में दूध लौटा हुआ कहते हैं, भुइया जनजाति में लुइया सुइया कहते हैं, तो अलग अलग नाम है। महाराष्ट्र में जनजातियों में नहीं, आम लोगों में भी होती है। अगर आप बैतूल के आसपास के क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ क्रॉस कज़िन मैरिज देखने को मिलेगी सामान्य लोगों में। ठीक, तो दक्षिण संस्कृतियों की लड़ाई हमेशा ही बहुत तेज चलती है। चलो नोट करेंगे, कुछ कराऊं कि वैसे ही चलेगा काम, है आ गया समझ में? बहुत बढ़िया, कितना समझ में आया तो टेस्ट में समझ में आएगा, अभी थोड़ी समझ में आएगा, है ना। चलो, उत्तर भारत में अब क्या होता है कि उत्तर भारत में जैसे ही अराइवल होता है, जैसे ही इसकी कनिष्क का डिक्लाइन होना शुरू होता है, तो वहाँ पर एक सोसाइटी बनती है, जिस सोसाइटी को हम लोग कहते हैं एक बणिकर सोसाइटी। अब जब कोई आपसे पूछेगा कि संगम साहित्य में या फिर चोल चेर पांड्यों ने कौन कौन सी सामाजिक व्यवस्थाओं को जन्म दिया, तो आप देखेंगे कि उत्तर भारत की आर्य संस्कृति और दक्षिण की द्रविड़ संस्कृति। उत्तर भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और दक्षिण भारत में कैसे बांटते हैं उनको, क्या दक्षिण भारत में भी ऐसे ही बांटते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कैसे बांटते हैं? वहां पर सबसे ऊपर तो ब्राह्मण ही होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरे नंबर पर होते हैं असगर या असगार, तीसरे नंबर पर होते हैं वैनिगार, और चौथे नंबर पर होते हैं वेल्लाल, और पांचवें नंबर पर होते हैं वेल्लार। यानी उत्तर भारत की तरह चार वर्गों में नहीं बटा होता है दक्षिण भारतीय समाज, वहां पांच वर्गों में बटा होता है। ठीक, जिसे हम लोग ब्राह्मण कहते हैं उसे तो वो भी ब्राह्मण ही कहते हैं, ये समाज का सबसे उच्च वर्ग होता है। उसके बाद आता है असगार या अनगार, ये वहाँ का राजा का जो समाज होता है, जिसे हम उत्तर भारत में क्षत्रिय कहते हैं। व्यापारी को हम यहाँ पर वैश्य कहते हैं, वहाँ पर उसको वैनिगार कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत में व्यापारियों के लिए कौन से शब्द यूज़ किए गए, तो दो शब्द यूज़ किए गए, एक वैनिगार। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको वेल्लाल कहते थे, एल आखिरी में एल आएगा इसके, और सबसे छोटे थे वेल्लार। तो जो वैनिगर उनको कहते थे जो व्यापार करते थे, जो खेती करने के लिए जमींदार होते थे, बड़े व्यापारी होते थे, उनको वेल्लाल कहते थे। सबसे छोटे स्तर पर होते थे वेल्लार,
दक्षिण भारत में शूद्र जैसी व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी, और वेल्लारों को लोग कहते हैं कि ये शूद्र ही थे, लेकिन शूद्र थे तो इनके जैसे शूद्र नहीं थे जहां उन पर सोशल बैरियर्स लगाए गए थे। यहां जो सोशल बैरियर्स नहीं लगाए गए थे, यहां शूद्रों को खेती करने की परमिशन थी, सेना में शामिल होने की परमिशन थी, सामाजिक समारोह करने की परमिशन थी, यज्ञ करने की परमिशन थी। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृति को देखेंगे तो ये संस्कृति निम्न जातियों के प्रति लिबरल प्रतीत होती है, सॉफ्ट प्रतीत होती है, जबकि उत्तर भारत की आर्य संस्कृति छोटी जातियों के प्रति सॉफ्ट प्रतीत नहीं होती है। समझ गए? तो ये अंतर था, ये आप इसको समझिएगा। महाकाव्य मैंने बता दिए हैं और किताबें मैंने बता दी हैं जो महत्वपूर्ण किताबें कौन सी लिखी गई। अब हम जब उत्तर भारत की ओर चलेंगे तो इस व्यवस्था के कारण से यहाँ एक नया सिस्टम का जन्म होगा जिसे कहेंगे गुप्ता एम्पायर। क्या देन है गुप्ता एम्पायर की भारतीय समाज को, क्या देन है? आपने बताया था कि व्यापारी थे। हाँ बिल्कुल सही है। और जो व्यापारी, मैंने इसलिए आपको भौतिकवाद की कहानी सुनाई थी, ये भी व्यापारी थे, और व्यापारी का पूरा ध्यान भौतिकवाद पर केंद्रित होता है, ये भी व्यापारी थे। तो इन्होंने अपनी पूरी व्यवस्था को, पूरे भौतिकवाद को प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया, यानी जितने भी लोग थे वो सब पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि इनके लिए ज्ञान की कोई मतलब कद्र नहीं है, इनके लिए पैसे की बड़ी इज्जत है जैसी व्यापारियों में होती है। इसीलिए पहली बार ऐसा देखा गया कि यहाँ पर लोगों ने अपना काम बदला, ब्राह्मणों ने व्यापार करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा ब्राह्मण देवता आप व्यापार क्यों करेंगे, आप तो शिक्षा देते हैं। तो इन्होंने कहा था कि यहाँ शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं बचा है, केवल व्यापार का ही महत्व बचा है, तो व्यापार करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण व्यापार कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के पास बहुत सारे धर्म हैं, एक आपद धर्म भी है, इमरजेंसी धर्म भी है हमारा कि हम इमरजेंसी में कुछ भी कर सकते हैं, तलवार भी चला सकते हैं। तो आपद धर्म के रूप में ब्राह्मणों ने यहाँ पर व्यापार करना शुरू किया, और जब पैसे का बोलबाला होता है तो मान सम्मान इत्यादि ज्ञान व्यान सब पीछे रह जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर वर्ण संकर व्यवस्थाओं की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों ने, अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे जातिगत व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, अगर हम देखें तो ये जैसे बटा होता है समाज, दो उच्च वर्ग दो निम्न वर्ग। तो वैश्य तो निम्न वर्ग में ही आते थे, वैश्य तो निम्न वर्ग में ही आते थे उस समय, क्योंकि ये निम्न ग्रुप में आते थे, वो उच्च ग्रुप में आते थे। तो वैश्यों को लगता था कि इस व्यवस्था में हम ऊपर तो है नहीं, व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में ऊपर तो है नहीं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देना शुरू किया। और बड़ी संख्या में उस समय ऐसी परंपराएं निकली जैसे कि हम लोग कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज, तेजी से होने लगे, लोगों ने कोई इसको रोकने की कोशिश नहीं की। वैश्य भी रोकने की नहीं कर सकते थे क्योंकि राजा तो वैश्य थे, उन्होंने भी इसको नहीं रोका, तो उन्होंने इसको प्रॉपर अलाउ कर दिया। और सबसे ज़्यादा भारत में वर्ण संकर जातियों का जन्म यहीं हुआ, सबसे ज़्यादा वर्ण संकर जातियों का जन्म यहीं हुआ। और लोगों ने अपने पैसे बदले, व्यवसाय बदले लोगों ने अपने, और कुछ लोगों को तो व्यवसाय से ही नाम दिया गया, जैसे जो लकड़ी का काम करने वाले थे उनकी एक जाति हो गई कुट्टक कहने लगे उनको, जो कपड़े बुनने का काम करते थे उनको तंतुवाय कहने लगे, वे तंतुवे हो गए। अब आज भी देखेंगे मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में रीवा के आसपास और यूपी में उस बॉर्डर पर आज भी कुछ लोगों का सरनेम तंतुवाय है, आज भी सरनेम कुछ लोगों का तंतुवाय मिलेगा। जो लोग लोहे का काम करने लगे उनको कर्मांत कहने लगे, औजार बनाने का काम करने लगे उनको कर्मांत कहने लगे, जो चमड़े का काम करते थे उनको चर्मकार कहने लगे, जो सोने का काम करते थे उसे स्वर्णकार कहने लगे, जो कपड़े बुनने का काम करता था वो तंतुकार, जो कपड़े धोने का काम करते थे वो रज्जुक हो गए। इस तरह से भारत में रजक सरनेम बहुत कॉमन है, मिल जाता है आपको। तो ये सब उसी समय की देन है, लेकिन इसमें एक व्यवसाय ऐसा था सोने का काम करना। देखिए अब व्यवसाय तो बहुत सारे बन गए हैं, लेकिन गुप्तों की एक बहुत बड़ी विशेषता ये रही कि व्यवसाय आपका अच्छा है बुरा है इससे आपको ऊपर नीचे करते थे, ये बहुत बुरा था। जैसे मान लीजिएगा कोई व्यक्ति एरोप्लेन रिपेयर करता है, एरोप्लेन ज़्यादा बड़ा हो गया, बस पे आते हैं, कोई व्यक्ति बस रिपेयर करता है, कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल रिपेयर करता है, ठीक, कोई व्यक्ति साइकिल रिपेयर करता है, तो क्लास तीनों रिपेयर ही है, तीनों ही उसमें काम करते हैं, मिस्त्री हैं उसके ठीक करने वाले। लेकिन आप समाज कैसे बनाएंगे गुप्त लोग कि ये उच्च वर्ग है, ये मध्यम वर्ग है, ये निम्न वर्ग है, उसके काम से बांट देंगे। ऐसे इन्होंने उस समय बांट दिया, भाई सभी जातियाँ बराबर हैं। जिन जातियों के मैंने अभी नाम लिए हैं सब शूद्रों में आती थी, क्योंकि वर्ण संकर थे, ये सब शूद्रों में सम्मिलित किए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने व्यवसाय की शुद्धता के आधार पर ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया। अब आप ये सब लोग समझते हैं कि जो चमड़े का काम करेगा वो काम कैसा होगा, निश्चित ही ऐसा काम होगा कि जो गंदगी से भरा होगा। सोने का काम करा होगा वो गंदगी से तो नहीं भरा होगा, और चमड़े और सोने में ज़्यादा कीमती क्या होता है,
सोना होता है। इस कारण से सोने का व्यापार करने वाले लोग उस व्यवस्था में ऊपर आ गए। कैसे आ गए? क्योंकि वो शुद्ध है, महंगा भी है और उसमें गंदगी भी नहीं है। जैसे जैसे आपके व्यवसाय में कमी है, उसे ही आप नीचे भी चले जाएंगे। ये था भारत में जातियों का संतरण, इसको कहते हैं कास्टियल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग गुप्ताज पीरियड। तो गुप्त काल में जातियों का संस्करण उन्होंने बना दिया। एक बात बताइए, हमारे देश में जैसे छुआछूत होती थी, अब नहीं होती है, तो छुआछूत कौन सी होती थी? लॉजिक, इलॉजिकल होती थी। कौन सी होनी चाहिए? लॉजिकल छुआछूत क्या होती है? देखिए, छुआछूत करने का तार्किक आधार होना चाहिए तो सही है। तार्किक आधार नहीं है तो फिर वो गलत है। इसलिए अपने यहाँ तार्किक आधार पे होती नहीं थी, इसलिए वो बंद हो गई। लॉजिकल का मतलब ये होता है कि उसका कोई लॉजिक है। जैसे ये अतुल है, यहाँ से गया कहीं, रास्ते में उसको अनिल मिल गया। अनिल क्या है कि गटर में गिर गया था तो गंदा है पूरा का पूरा। तो अनिल मिल गया उसको, अनिल कह रहे अतुल भाई वो गले ही मिला जा रहा है। अतुल लगे हट तुरंत, अभी कहाँ गले मिल रहा है तू? तो अतुल ने उसके साथ छुआछूत करी है, लेकिन लॉजिकल है ना, लॉजिकल है। लेकिन जब आया हॉस्टल में नहाया धोया तो अतुल ने कि अब गले मिलते हैं अपन, तो अब लॉजिकल। लेकिन पता लगा कि सुबह गटर में गिरा था, शाम को भी अतुल उससे नहीं मिला, हट तू गटर में गिर गया था, अगले दिन भी नहीं मिला। इलॉजिकल हो गया ना, इलॉजिकल हो गया। तो हमारे देश में इलॉजिकल चल रही थी, इसीलिए उसको बंद किया गया। लॉजिकल तो आज भी होती है। घर में जैसे मम्मी ने कहा बेटा ये सब्जी खा लो, कल की रखी है, सब्जी खराब हो गई तो आप कह रहे मैं नहीं खा रहा, खराब हो गई। मैं अच्छा छुआछूत तो लॉजिकल है भाई, कैसे खा ले, वो खराब हो चुकी है, तो लॉजिकल है कि नहीं? तो लॉजिकल तो बंद होनी चाहिए, लॉजिकल तो हमेशा ही रहती है, इलॉजिकल बंद होनी चाहिए, जो हमारे देश में हो गई। तो वहाँ क्या हुआ कि अब धीरे धीरे करके जो स्तरण बन रहा है वो इलॉजिकल बन रहा है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। भाई आदमी ने अगर काम करना कोई चुना है तो काम तो काम है, चाहे वो कैसा भी काम हो, लेकिन काम के आधार पर आपकी जातियाँ कैसे बनेंगी। यहीं से एक स्टडी और की जाती है जिसको कहते हैं कि भारत में जातियों की उत्पत्ति। पढ़ा है आपने जातियां कैसे आई भारत में? भारत में जातियों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ, कौन कौन से सिद्धांत में मिलती है? पहला तो ऋग्वेद में मिलती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हुए थे, ऋग्वेद के 10वें मंडल के प्रोक्त सूक्त में मिलती है। उसके बाद यहाँ पर स्टडी नहीं हुई, स्टडी हुई फ्रांस में। फ्रांस के एक पर्सन थे अबे डिबॉय, उन्होंने इस पर स्टडी किया है। उन्होंने लिखा है कि भारत में जातियाँ व्यवसाय से बनी, जो जो लोगों ने व्यवसाय चुने वही जातियाँ बन गई, और ये सबसे फेमस सिद्धांत हुआ जेसी नेसफील्ड का, बहुत पॉपुलर थ्योरी है। और जातियों के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है कर्नल टॉड ने, जिन्होंने बुक लिखी है द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। ये वही कर्नल टॉड है जिन्होंने गिरनार अशोक के इंस्क्रिप्शन को खोजा था, ये वही कर्नल टॉड है। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में इसके बारे में। ये गुप्तकाल का था सामाजिक देन। अब पैसे का बोलबाला होगा तो महिलाओं की स्थिति कैसी हो गई होगी? ठीक बेटा, महिलाओं की स्थिति पैसे से ठीक तब होती है जब स्त्री पुरुष समानता होती है। स्त्री पुरुष समानता प्राचीन काल में कहां से आई? एक बड़ा पॉपुलर सी थ्योरी है, तुमने कभी ब्लड टेस्ट करवाया अपना? कितना हीमोग्लोबिन? 19 10 हाँ वही मैं कह रहा हूं, 19 कहां है तुम्हारा? 13-14 के आसपास होगा। जब भी अपन हीमोग्लोबिन चेक कराते हैं उसमें दो रेफरेंस रेंज रहती है, एक फीमेल की और एक मेल की। फीमेल की रेफरेंस रेंज लिखी रहती है कि 12-13 तक हो तो चलेगा, और मेल की लिखी रहती है 15-16 तक होगा तो भी चलेगा, है ना? बताइए, प्रकृति ने दोनों को एक साथ बनाया है, कम ज़्यादा कैसे होगी दोनों की? सही बात कि गलत बात? कैसे होगी? मूल बात यह है कि भारत में महिलाओं के साथ सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी थी कि उसके लिए खाने पीने की चीज़ें प्रॉपर नहीं मिल पाती थी, उसको पुरुष को महत्व प्रधानता दी जाती थी। और ये बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 50 साल पहले भी यही व्यवस्था थी हमारे देश में। घर में अगर लड़का है तो लड़के को खाने को पहले देंगे, दूध उसको पहले देंगे, क्योंकि जल्दी बड़ा होगा तो कमा के लाएगा हमारे लिए। लड़की को तो दूसरे घर जाना है, धीरे धीरे खाने को देंगे, धीरे धीरे बड़ी होगी, जल्दी बड़ी होगी तो विवाह कैसे करेंगे? ये बताइए, सोच ऐसी सोच थी लोगों की। अगर आप किसी महिला के जीवन में ऐसे कृत्य करेंगे जो हजारों साल तक चलेंगे, और आप प्राकृतिक रूप से बायोलॉजी सबने पढ़ी है कि फीमेल नीड मच कैल्शियम एंड मच आयरन देन मेल, पुरुषों की तुलना महिलाओं की तुलना में पुरुषों को कम चाहिए, पुरुष महिलाओं को ज़्यादा चाहिए, उन्हीं को कम मिलता था। क्यों? क्योंकि भाई लड़का है, पुरुष प्रधान व्यवस्था है। तो धीरे धीरे उनकी बॉडी में कमियाँ आती गईं, और वे कमियाँ फिर ब्लड वगैरह सब में दिखने लगी। ये बहुत नेचुरल सी बात है,
हजारों सालों का है जे, लेकिन तुम लोग मत दुखी हो, तो अभी का नहीं है जे, तुम लोग तो अपने भाइयों का भी छिनके खा जाते हो, तुम लोगों का नहीं है जे, पुरानी पीढ़ियों का है जे। इंग्लैंड में आप जाएंगे तो वहाँ अलग अलग रेफरेंस रेज नहीं होती है, ब्लड की एक ही देता है वो, क्योंकि वहाँ महिलाओं के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा आपने यहाँ हुआ है। तो वहाँ पर महिलाओं में आपने देखा होगा कि बॉलीवुड की पिक्चरों में महिलाएं पहले फाइट करती थी कि हॉलीवुड की पिक्चरों में, क्योंकि वहाँ वो सोच कॉमन है कि महिलाएं लड़ सकती हैं, मोटरसाइकिल चला सकती हैं, कार चला सकती हैं। हमारे यहाँ ये सोच अब आ पाई है, पहले नहीं थी। तो बहुत सारे समाज में बदलाव, और जब पैसा आता है, ऐसी स्थिति में पैसा आएगा जब महिलाओं की स्थिति पुरुषों से नीचे है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय होगी। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा वैश्यवृत्ति थी, अपने चरम पर थी, बिल्कुल अपने चरम पर थी। और ये प्रकृति का सिद्धांत है कि जिस जगहों पर बहुत पैसा होता है वहाँ वैश्यवृत्ति होती ही होती है, ये पुरुष मानसिकता का परिणाम है। भारत में अगर आप NCERB की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो बेंगलोर, कोलकाता, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, जितने भी महानगर हैं जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, पैसा है, दुनिया की इकोनॉमी वहाँ से चलती है, वहाँ वैश्यवृत्ति ज़्यादा होती है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे तो महानगर कौन कौन से हैं, इंदौर और भोपाल। तो अगर आप NCERB की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किस प्रकार से पैसा आने पर वैश्यवृत्ति बढ़ती है, और वैश्यवृत्ति बढ़ती है इसका मतलब महिलाओं की स्थिति बिगड़ती है। तो गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। कुछ राजकीय महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, राजा की रानी तो सही रहेगी ना, उसको क्या फर्क पड़ेगा। तो सामाजिक रूप से उन्होंने ये प्रभाव छोड़ा, जातियों का जन्म हुआ, ये गुप्तकाल की देन है। कलात्मक रूप से क्या हुआ, गुप्तकाल ने कौन कौन सी कलाओं को जन्म दिया, कौन कौन सी कलाओं को जन्म दिया? ए, तुम लोग एकदम कोरे पारे हो क्या, कुछ तो बताया करो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुमने पढ़ा नहीं हो पहले। क्यों आनंद, संगीत, संगीत में क्या आया बताओ, गुप्त काल में संगीत में क्या आया, लोक कला बताओ, कौन सी कला? मैं बताता हूँ क्या, कौन कौन सी केव, हाँ वेरी गुड। और तो ये आर्किटेक्चर में मतलब स्थापत्य कला में देखने को मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। तो गुप्त काल में स्थापत्य कला व्यापक रूप से देखने को मिली। एक बार समझेंगे एक बार में कि गुप्त काल ये है, गुप्त काल से पहले और कुछ गुप्त काल के शुरू में भारत में जो मंदिर बनाए जाते थे उनको हम लोग पंचायतन शैली के मंदिर कहते थे। पंचायतन स्टाइल के आर्किटेक्चर होता था हमारे यहाँ, जिसमें मंदिरों की छत एकदम सपाट होती है, मंदिर के छत के ऊपर ऐसा शिखर नहीं होता है, शिखर समझते हैं डोम के ऊपर जो बना होता है वो नहीं होता, सपाट छत होती है, मंडप नुमा मंदिर होते हैं। और मैक्सिमम जो टेम्पल्स होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं, रेक्टेंगल शेप में आयताकार बनाए जाते हैं, मंदिर के चारों कोनों पर एक एक मंडप बनाया जाता है ना, गर्भगृह होता है छोटा सा लेकिन शिखर नहीं होता है। ये पंचायतन शैली के मंदिर होते थे जो गुप्त काल से पहले बनते थे और गुप्त काल के शुरू में भी बने रहे, लेकिन गुप्त काल के दौरान इसमें बड़े बदलाव हुए। गुप्त काल ने मंदिर निर्माण शैली को, मंदिर आर्किटेक्चर को एक ग्रोथ दी, और वो ग्रोथ थी कि इसमें नागरीय विशेषताएं उत्पन्न कर दी उसने। गुप्त काल में मंदिर निर्माण की प्रसिद्ध शैली का विकास हुआ, जिसे क्या कहते थे, नागर स्टाइल। नागर स्टाइल के मंदिर उत्तर भारत से लेकर के कहाँ तक मिलते हैं, विंध्य पर्वत तक, जो मध्य प्रदेश का विंध्य पर्वत है उसके बीच में मिलेंगे नागर शैली के मंदिर। और यहाँ विंध्य पर्वत से लेकर के कृष्णा नदी तक मिलेंगे कौन कौन से, बेसर, और कृष्णा नदी से लेकर के रामेश्वरम के बीच में मिलेंगे कौन से, द्रविड़ मंदिर मिलेंगे। तो अभी मैं इनकी बात तो कर ही नहीं रहा हूँ, गुप्तकाल तो इधर शासन कर रहा है। तो गुप्तकाल में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली विकसित हुई, नागर शैली, नागर स्टाइल विकसित हुई, जो बहुत डेवलप नहीं हो पाई थी लेकिन शुरुआत हो गई थी, धीरे धीरे करके डेवलप होगी नागर शैली, क्योंकि गुप्तकाल का शासनकाल है 240 से लेकर लगभग 570 ईस्वी तक। और जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है नागर शैली का वो है खजुराहो। खजुराहो तो पढ़ा होगा, पढ़ा है, सबसे पहला मंदिर कौन सा है खजुराहो में, तब तुमने नहीं तो कहा था पढ़ा है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, है अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। खजुराहो शैली का सबसे पहला मंदिर 825 ईस्वी में बना था, 825 में, और सबसे बाद का मंदिर शिव का मंदिर है, दूलादेव का मंदिर है, जो 1135 में बना था, है ना। क्या खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म को ही समर्पित हैं, किसी और को भी हैं, जैन भी हैं, हाँ। शांतिनाथ का मंदिर है, घंटई मंदिर है,
शिवनाथ का मंदिर है और सेम नेमीनाथ का मंदिर है, नेमी का मंदिर है, तो वहाँ पर जैन धर्म के मंदिर है। तो खजुराहो के मंदिर तो बने हैं अभी 10वीं शताब्दी में, 950 के बाद बने, कि 950 से 1000 के बीच में बने खजुराहो के मंदिर। वो नागर शैली के सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो वो नागर का उत्कृष्ट समय है, वो नागर का यानी गुप्त काल में नागर विकसित तो शुरू तो हो गई है लेकिन विकास अपने चरम पर नहीं पहुंच पाई है। तो इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ नागर स्टाइल ड्यूरिंग गुप्तास। तो नागर शुरू तो हो गई है और यानी शिखर बनने लगे हैं लेकिन अपूर्ण है, इनकम्प्लीट शिखर बनने लगे हैं। फिर भी गुप्त काल में दोनों ही चीज़ें थी, कुछ मंदिरों पर शिखर बने कुछ मंदिरों पर नहीं बने। मध्य प्रदेश में गुप्त काल के बने हुए बहुत सारे मंदिर हैं। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है कहाँ पर, पन्ना में। क्या नाम है उसका? नचना कुठार का मंदिर, नचना कुठार मंदिर। किसको समर्पित है? पार्वती देवी। फिर है जबलपुर में तिगवा का मंदिर, किसको डेडिकेटेड है? विष्णु को। विष्णु का तिगवा मंदिर नहीं कहते हैं उसको। और गुप्त काल का ही एक मंदिर है खो सतना में, किसको समर्पित है? शिव को, शिव को समर्पित है। और इसी काल का एक मंदिर बहुत प्रसिद्ध है जो बना हुआ है कहाँ पर, ललितपुर में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ललितपुर के पास दशावतार मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है। और इसी काल का एक मंदिर प्रसिद्ध है कानपुर में, जिसको कहते हैं भीतर गांव का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर के नाम से जानते हैं उसको। एकमात्र गुप्त काल का मंदिर है जो ईंटों से बना हुआ है, गुप्त काल के मंदिर ईंटों के नहीं मिले हैं एक मंदिर को छोड़ करके, वो उसका नाम है लक्ष्मण मंदिर कानपुर, जिसे भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर कहते हैं, जो वहाँ बना हुआ है। और ये सारे मंदिर जिनके मैंने नाम लिए, एक सांची में मंदिर है, एक सांची का भी तो मंदिर है बौद्ध काल का ही। सांची गए हो गए? गए हैं, देखा है मंदिर किधर बना है? वही बना हुआ है, वो मंडप जैसा बना हुआ है, पिलर लगे हुए हैं, वही मंदिर है। तो जो गुप्तकालीन मंदिर है, गुप्तकालीन मंदिर आज बिल्कुल दम तोड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा नहीं की जा रही है, वरना गुप्तकालीन मंदिरों की वो शैली थी। उसके बाद नागर शैली आ गई, लोग नागर को देखने लगे, उसको भूल गए गुप्तकालीन परंपराओं को। तो गुप्तकाल में मंदिर निर्माण की ये शैली प्रसिद्ध हुई, नागर शैली। गुप्तकालीन मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि गुप्तकाल मंदिर बनवाए तो देवता भी तो रखे होंगे उन्होंने, तो गुप्तकालीन जो राजा थे वो किस धर्म को मानते थे? गुप्तकालीन शासक विष्णु को मानते थे, वैष्णव को मानने वाले थे, विष्णु की मूर्तियां मिली हैं। आप मंदिरों को देखेंगे तो वहां से शंख मिलेगा, पद्म मिलेगा, चक्र मिलेगा, ये सब किसकी निशानी है? विष्णु की। तो वो वैष्णव को मानने वाले थे लेकिन उन्होंने वैष्णव के साथ साथ शैव धर्म का भी समर्थन किया, जैसे पार्वती मंदिर मिला, शिव का मंदिर मिला खो में, एक अपने इसमें खरगोन में मंदिर है गुप्तकाल का शिव का ही, तो वहां पर वैष्णव के साथ साथ शिव को भी माना जाता था। और उसी समय गुप्तकाल में बौद्धों के लिए भी गुफाएं बनवाई गई, अजंता के मंदिर हमको प्राप्त होते हैं। गुप्तकालीन मंदिर परंपरा बहुत उत्कृष्ट थी और जहाँ वैष्णव को, शैव को, बौद्धों को और जैनों को सबको संरक्षण मिला। एकमात्र ऐसा राजवंश जिसने सभी धर्मों को लगभग संरक्षण दिया है, और उसके संरक्षण की देन थी कि वह गुप्तकाल बहुत फला फूला। गुप्तकाल का लेकिन धर्म में ज़्यादा लगाव नहीं था, इसलिए वो धर्म को बहुत महत्व नहीं देता था, धर्म उसके लिए सामान्य सी बात थी, विशिष्ट बात नहीं थी, विशिष्ट बात थी व्यापार। इसलिए गुप्तकाल में बड़े बड़े व्यापारिक केंद्रों का विकास हुआ। उस समय के सबसे बड़े मार्केट होते थे उज्जैनी, बहुत बड़ा मार्केट है, उसके बाद पाटलिपुत्र बहुत बड़ा मार्केट है, इसके अलावा कौसाम्बी बड़ा मार्केट है, काशी बड़ा मार्केट है। 200 नगरों की स्थापना की गुप्तकाल में, और वो जहाँ सारी सुविधाएँ मिलती थी, कोई भी सामान खरीद सकते हैं, कोई भी सामान बेच सकते हैं। इस तरह से गुप्तकाल ने आर्थिक रूप से और धार्मिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय जो मूर्तियां बनाई जाती थीं, मूर्तिकला भी बहुत प्रसिद्ध थी। उन मूर्तियों में दो विशेषताएं थीं, उसमें दो आर्ट का यूज़ करते थे। कौन कौन सी आर्ट थी? एक थी फ्रेस्को, एक थी टेम्पेरा, मूर्ति बनाने की कला थी, या कह सकते हैं पेंटिंग की कला थी, पेंटिंग मान लेते हैं। तो बताइए क्या होती है फ्रेस्को और टेम्पेरा? अगर दीवार पर प्लास्टर हो रहा है, जैसा कि अपने यहाँ पर बहुत सारे खुरापाती लोग होते हैं, लकड़ी से लेकर उस पर अपना नाम लिख देते हैं गीले प्लास्टर पर, अब नहीं लिखते हैं क्योंकि अब पकड़े जाते हैं, इसलिए पहले खूब लिखते थे लोग, और अभी भी लोग जब किले विले पे घूमने जाते हैं तो ऊंचाई पे अपना नाम लिख के आते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ चढ़ना बहुत कठिन है वहाँ अपना नाम लिख के आते हैं, और साथ में किसी और का भी लिखते हैं, है ना? अब अकेला तो लिखेंगे नहीं, ऊंचाई पे गए हैं तो किसी और का भी लिखते हैं। ये उनके मन का इड है, इच्छा है, जिसे वो हर कहीं प्रकट नहीं कर पा रहे, तो उस दीवार पर जाकर प्रकट करते हैं, खरोच खरोच के लिखते हैं, वहाँ पर जितनी भी आर्ट है वो वहीं दिखाते हैं फिर जा करके, है ना? तो उसको कहते हैं फ्रेस्को मेथड।
कि जब दीवार पर खुरचकर के चित्र बनाए जाते हैं गीले प्लास्टर पर, और जब प्लास्टर पर खुरच के चित्र ना बनाए जाएं, किसी पर पदार्थ को चिपका करके चित्र बनाया जाए, यानी उभरा हुआ होना चाहिए, डेंटेड होना चाहिए, तो उसको टेम्पेरा विधि कहते हैं। ये दोनों ही चित्रकला की विधि गुप्तकाल में बहुत प्रसिद्ध हुई। तो गुप्तकाल चित्रकला की दृष्टि से भी प्रसिद्ध था, मूर्तिकला की दृष्टि से भी प्रसिद्ध हुआ, स्थापत्य कला की दृष्टि से प्रसिद्ध हुआ, और राजाओं ने व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया, बंदरगाहों की स्थापना की, व्यापारिक केंद्र बनाए, इसकी दृष्टि से भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ। सामाजिक रूप से बड़े बदलाव किए कि सामाजिक संरचना को तहस नहस कर दिया, जो ब्राह्मणों ने बड़ी मुश्किल से बनाई थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अब उसमें वैश्यों का बड़ा महत्व हो गया क्योंकि सत्ता उनके पास थी। पहले ब्राह्मणों का बड़ा महत्व होता था, ब्राह्मणों के पास सत्ता थी, तो उन्होंने इस व्यवस्था को उत्तर भारत में भौतिकवादी बना दिया पूरा का पूरा गुप्तकाल ने। और इस भौतिकवादी व्यवस्था में साहित्यिक संरक्षण भी हुआ। साहित्यिक संरक्षण को अगर हम देखेंगे तो पहला शासक कौन था जिसका नाम था श्रीगुप्ता, 240 से 280 ईसवी तक रहा था, बहुत उसको आदिराज कहते हैं। उसके बाद आया जिसका नाम था घटोत्कच, घटोत्कच को आदिपुराण आदिपुराण के नाम से भी जानते हैं, लेकिन उसका ज़्यादा महत्व रहा नहीं, 280 से 319 तक रहा। 319 में राजा आया चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त प्रथम है, मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त प्रथम है, ये गुप्त वंश का है। समुद्रगुप्त का जब हमने वो पढ़ा था, इसलिए वो हरिश्चरण का प्रयाग प्रशस्ति पढ़ा था, तो उसमें समुद्रगुप्त के लिए एक शब्द यूज़ किया गया, लिच्छवी दोहित्रा, लिच्छवी दोहित्र शब्द यूज़ किया गया। इसका ये अर्थ होता है कि लिच्छवियों की संतान है, लिच्छवियों से उत्पन्न हुआ है। अब समुद्रगुप्त लिच्छवियों से कैसे उत्पन्न हुआ है, उसके पिता का नाम तो चंद्रगुप्त है, मिलता है अपन को, तो इस कहानी को लोगों ने ऐसे जोड़ा कि इसके पिता तो हमको ज्ञात हैं, लेकिन इस शिलालेख से मिलता है कि ये लिच्छवी दोहित्र है, यानी लिच्छवी कुल की इसकी माँ होगी। इसीलिए इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने लिख दिया कि यह चंद्रगुप्त का विवाह लिच्छवियों की राजकुमारी से हुआ था जिससे समुद्रगुप्त पैदा हुआ। सोचिए कैसे लिखा गया इतिहास कि हमें उसमें लिच्छवी दोहित्र मिला, तो लिच्छवी दोहित्र पिता का नाम पहले से ज्ञात है, तो हमने ये मान लिया कि पिता तो पता ही है, अब माँ का पता लगाना है, तो माँ लिच्छवी ही रही होंगी, इसलिए ये लिखा गया कि चंद्रगुप्त का विवाह लिच्छवी कुल की कन्या से हुआ। और उनको जब विवाह हुआ तो समुद्रगुप्त पैदा हुआ, समुद्रगुप्त पैदा हुआ, उसने भारत का राजनीतिक एकीकरण किया। दक्षिण में छोटे छोटे राज्य थे, कितने, लगभग 36, सबको हराया उसने, 36 को मिला करके 4 बना दिए, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण उत्तर पश्चिम, 4 राज्य बना दिए। क्यों, क्योंकि 4 राज्यों में प्रशासन आसानी से चल जाएगा, 4 लोगों को नियुक्त करना है, 36 जगह किस किस को नियुक्त करेंगे। ठीक ऐसा ही नेपोलियन ने किया था 1798 में फ्रांस में, फ्रांस के उसने 200 से ज़्यादा क्षेत्रों को जीता था, और 200 से ज़्यादा क्षेत्रों को 6 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था। इसे और इतिहास हमारा उन्होंने ही लिखा है, तो इतिहास जब हमारा लिखा गया मॉडर्न एरा में, तो अंग्रेजों ने लिखा तो उन्होंने नेपोलियन को ये कहा, इसको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन लिख दिया कि ये भारत का नेपोलियन है, जैसा फ्रांस में नेपोलियन ने किया है वैसा ही भारत में एक समय पर समुद्रगुप्त ने किया था। और समुद्रगुप्त का शासनकाल था 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक, इतना लंबा शासनकाल था। उसने एक उपाधि और धारण की, धरणी बंद, पृथ्वी को बांधने वाली उपाधि। उसने 6 सोने की मुद्राएं चलाई, 6, कौन सी, अगर मैंने बताया था ना कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, बिमकदफिस ने, सबसे शुद्ध सोने के किसके थे, कनिष्क के। अब प्रश्न बदल गया है, सबसे ज्यादा संख्या में सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो समुद्रगुप्त ने। ठीक, कौन कौन से सिक्के थे, एक भी याद नहीं है। पहला सिक्का है परसु, दूसरा है व्याघ्रहनता, दूसरा परसु व्याघ्रहनता, एक है बाजी या उसको अश्व कहते हैं, अश्व कह लें या बाजी कह लें, दोनों पर्यायवाची हैं, तो एक अश्व है, अश्व के बाद एक है धनुर्धर, एक है गरुण, गरुण से ही पता लगता है कि वो विष्णु के उपासक थे, और एक पांचवा, हाँ छठवा बस्ता है जिसका नाम है वीणा शरण। 6 सिक्के चलवाए उसने, इनमें सबसे फेमस था वीणा शरण, क्योंकि वीणा शरण नामक सिक्के पर उसका खुद का चित्र बना हुआ है जो वीणा बजा रहा है, एक ही सिक्का है जिस पर उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त को, वो है वीणा शरण। बाकी के सिक्कों में गरुण है, धनुर्धर है, परसु है, व्याघ्रहनता है, अश्व है, इतने 6 सिक्के उसने चलवाए। और समुद्रगुप्त के जब 375 में उसका अंत हुआ, उसके बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त
कुछ इतिहासकारों ने यह लिखा है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त राजा हुआ, 6 महीने के लिए रामगुप्त राजा हुआ। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि रामगुप्त राजा नहीं हुआ, उसको तो लोगों ने मान लिया, वो सेनापति ही रहा। लेकिन कुल मिला के ये है कि समुद्रगुप्त के बाद इतिहास में वर्णन सबसे ज़्यादा चंद्रगुप्त सेकंड का मिलता है। चंद्रगुप्त सेकंड जब पावर में आया तो उसने अपना राजनीतिक केंद्र बनाया उज्जैनी को और उपाधि धारण की विक्रमादित्य की, इसलिए उसका पूरा नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बहुत न्यायप्रिय शासक था, अत्यंत न्यायप्रिय शासक था, उसे न्याय बहुत पसंद था। उसने अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वानों को संरक्षण दिया, जैसे कालिदास और एक ही धन्वंतरी, बेताल भट्ट, बेताल ग्रह, भट्टमूर्ति और अमर सिंह, शंकु, वरुरुचि, वराह मिहिर, इनको नवरत्न कहा जाता था सबको मिलाकर के, जो उसके दरबार के नवरत्न थे। इनमें कालिदास बड़े नाटककार थे, मतलब वो खुद नाटक नहीं करते थे, नाटक लिखते थे, है ना, नाटककार थे। उन्होंने बड़े बड़े नाटकों की रचना की गुप्तकाल में। गुप्तकाल का सबसे प्रसिद्ध नाटक कालिदास का माल विकाग्नि मित्रम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमो वर्षियम है। और शूद्रक भी उस समय नाटककार था, जिसने क्या लिखा था, मृच कटिकम। विशाख दत्त ने क्या लिखा था, मुद्रा राक्षस। भट्टी ने क्या लिखा था, रावण बध। और मुद्रा राक्षस की उसकी एक और किताब है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। भट्टी ने रावण बध लिखा। उसी समय एक और साहित्यकार आया बाघ भट्ट, जिसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अष्टांग हृदय। आयुर्वेद की बड़ी किताब है अष्टांग हृदय। अगर आप अष्टांग हृदय पढ़ेंगे तो आधे आयुर्वेदाचार्य तो वैसे ही बन जाएंगे, लेकिन वो चूंकि संस्कृत में है। तो इन्होंने किस भाषा को संरक्षण दिया था, संस्कृत को। संस्कृत के सबसे ज़्यादा ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए। और उसी समय संस्कृत में एक और प्रसिद्ध किताब लिखी गई जिसका नाम था पंचतंत्र। पंचतंत्र है ना, किसने लिखा, विष्णु शर्मा ने। इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था, इसको फारसी में ट्रांसलेट भी तो किया था अकबर के समय पर, अबुल फजल ने। क्या नाम रखा था इसका, फारसी में अनुवाद करके कुछ नाम रखा था उन्होंने इसका, नहीं पता, अनवर ए सोहेली। अनवर ए सोहेली इसका नाम रखा था और अनुवाद हुआ। साहित्य के क्षेत्र में गुप्तकाल सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। बड़े बड़े इतिहासकारों ने लिखा है, इतना साहित्य लिखा गया, इतना साहित्य लिखा गया कि गुप्तकाल को लिटरेरी एरा का गोल्डन पीरियड कहते हैं। संस्कृत साहित्य की दृष्टि से गुप्तकाल स्वर्णकाल है, उसमें इतना सारा साहित्य लिखा गया है और वो भी पूरा का पूरा संस्कृत में। हालांकि गैर संस्कृत का साहित्य भी उस समय काफ़ी विकसित हुआ, जिसमें बाघभट्ट वाला था और उसी समय अष्टांग हृदय ने बहुत सारी किताबें लिखी, यानी विज्ञान की किताबें भी लिखी गई हैं, सामान्य ज्ञान की किताबें भी लिखी गई हैं और अन्य विषयों की किताबें भी बड़ी संख्या में उस समय लिखी गई हैं गुप्तकाल में। गुप्त शासकों का अंत कैसे हुआ और अंतिम शासक कौन था, बताइए। जब बहुत लंबे समय तक कोई राजवंश शासन करता है तो कुछ राजा ऐसे आ ही जाते हैं जो इनकॉम्पिटेंट होते हैं। इसके अलावा सेनापतियों के अंदर इनकॉम्पिटेंसी आ जाती है। जैसे आज भी लोग कहते हैं ना कि अभी चुनाव हो रहा है हमारे देश में, 2 चरण और रह गए हैं चुनाव के, तो आज भी लोग कहते हैं कि जब बहुत लंबे समय तक कोई भी राजा या कोई भी सरकार का व्यक्ति शासन करता है तो उसके अंदर एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। लोगों के अंदर ये अरुचि आ जाती है कि नहीं, अब दूसरा राजा चाहिए हमको। कहते हैं लंबे समय तक शासन करता है तो उसकी कमियाँ समझ में आने लगती, तो लोग कहते हैं कि नहीं, अब बदलाव ज़रूरी है। क्योंकि जब लंबे समय तक कोई शासन करता है तो धीरे धीरे वो ताकतवर होता जाता है, ऐसा माना जाता है, और फिर उसके विरोधी धीरे धीरे करके तैयार होने लगते हैं। तो गुप्तों के साथ भी ऐसा ही हुआ, गुप्त काल में भी ऐसा ही हुआ कि उनके सेनापतियों ने एक व्यवस्था बनाई जिसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, अन्य धर्मों के लोग भी थे, जिन्होंने ये कहा कि अब हमें वैश्यों के शासन को बहुत अधिक दूर तक नहीं ले जाना है। और 467 के आसपास ये वंश धीरे धीरे करके पतन की ओर चला गया। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद, विक्रमादित्य के बाद, एक राजा आया जिसका नाम था कुमारगुप्ता। कुमारगुप्त ने, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था नालंदा, है ना। किसने जलाया था इसको, नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, है ना, और कुमारगुप्त ने इसको बनाया था। कौन सी शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। देखा है किसी ने, कोई है बिहार का, नहीं गए बिहार कभी, एक बार जरूर देख के आइएगा, वो आपको बड़ा मज़ा आएगा। उसकी जो लाइब्रेरी है,
जिसे रत्न सागर कहते हैं, उसकी लाइब्रेरी का नाम रत्न सागर था। तीन लाइब्रेरी थी, यहाँ से लेकर के जो अपना वो है जो 100 का ऑफिस है डायल 100 का, इतना बड़ा एक लाइब्रेरी हॉल है उसका। मतलब सोचिए उसमें कितनी किताबें रखी होंगी, कितने ग्रंथ रखे होंगे उसमें तात्कालीन समय में। तो ऐसे ही उसको बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं कहते हैं, विश्व में सबसे प्रसिद्ध था, विदेशों से भी लोग पढ़ने आते थे। हैनसांग उसमें पढ़ा है, इत्सिंग उसमें पढ़ा है, हैं हुली उसमें पढ़ा है, हुली भी उसमें पढ़ा है, इत्सिंग भी पढ़ा, पढ़ने का मतलब ये वहाँ रहे हैं, उन्होंने सीखा है बौद्ध शिक्षा के लिए। फाइयान नहीं आ पाया है, लोग कहते हैं कि हैनसांग आया वो गया, इत्सिंग आया वो गया, हुली आया वो गया, मतवलिन आया वो भी गया, ये क्यों नहीं गया फाइयान नालंदा में? फाइयान तो बौद्ध शिक्षा का अध्ययन करने के लिए आया था यहाँ पर, वो क्यों नहीं गया? उसको तो जाना चाहिए था, सबसे बड़ा स्टूडेंट तो वही था बुद्धिस्टों का, क्योंकि जब वो आया तब बना नहीं था वो, है ना। वो विक्रमादित्य के समय पे आया, और ये बनाया कुमार गुप्त ने उसके बाद, तो जाएगा कैसे? आर्यभट्ट ने तक्षशिला में डाला, अभी विक्रमशिला भी बनेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। क्या बेटा?